डिमांड करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ना तुम डिमांड करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 13 दिन तक करीब 10,000 से लेकर 70,000 की भीड़ का अगर इकट्ठा रहना वहाँ पे, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो लोगों का जो आंदोलन था दिल्ली सेंट्रिक नहीं था, मुंबई में देख लीजिए आप, बेंगलोर के अंदर देखिए, हैदराबाद के अंदर, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहां भी लोग कैंडल लाइट लेके निकले थे। एक प्रामाणिक व्यक्ति के नेतृत्व में एक बड़ी बीमारी से लड़ने का एक आंदोलन ऐसा चला है जिस पर पूरे देश ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, ये एक बड़ा शुभ लक्षण है। और इससे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा ऐसी कोई आशा कम से कम मुझे नहीं, क्योंकि अरविंद को भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहले से जानता था और उनका काम भी थोड़ा देख चुका था। तो वो एक अच्छा जुझारू संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता जरूर था, लेकिन वो कोई उस बड़े स्तर पर चिंतनशील, कोई विचारक, चिंतक उस तरह के रूप में मैं नहीं समझता, ना मैं समझता था, ना देश उसको वैसे देखता था। कुछ तो था आईएसी मूवमेंट ने में जिसने अलग अलग तबके के लोगों को घरों से निकालकर वहां एकत्रित होने पे मजबूर किया था, बिकॉज हमें लगा कि ये भारत का तहरीर स्क्वायर मोमेंट है। एंड आई मेट सो मेनी पीपल दैट आई न्यू हु हैड कम टू सी व्हाट्स हैपनिंग। So I've been a sort of supporter of the movement of a fight against corruption since then. लोकपाल ये लोगों का पालक है और पूरे पावर जनता को दिए है जी। वो लोकपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है, शासन प्रशासन इन पर कंट्रोल करना है, स्वच्छ शासन हो, स्वच्छ प्रशासन हो। ये पंत प्रधान में लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे में होना तो पॉलिटिक है ना जी। उस पर जनता का अंकुश होना, जनता का कंट्रोल होना। उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया, पंत प्रधान कैसे, पंत प्रधान पर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर लगाम लगाने के लिए इस तरह का बिल कई दफ़ा लाया गया। ये लोकपाल नाम ये अभिषेक सिंघवी के फादर लक्ष्मीमल सिंघवी ने ओम्बुड्समैन का लोकपाल ट्रांसलेशन किया था। ये लोकपाल का नहीं लोकबल का आंदोलन है और लोकबल जहाँ है उनके साथ खड़ा होना हमारा धर्म बनता है। 79 साल के हो चुके हैं, आपको बहुत कुछ मिल चुका है, अब आप और क्या चाहते हैं। मुश्किल ये है कि ज्यादा हमने हजारे जी को ज्यादा संविधान का तो मालूम नहीं, प्रॉब्लम असली है। अन्ना हजारे का आंदोलन जब चल रहा था तो आखिरी के 12वां, 11वां, 12वां, 13 दिन तो बहुत ही खराब था अन्ना के लिए। अन्ना की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा पूरी एडवाइस थी मेडिकल डॉक्टर्स का, जो पूरा काउंसिल था, वो जो पूरा टीम थी, वो कह रहे थे कि अन्ना इज गोइंग टू गेट वेरी सीरियसली इल एंड उनको कुछ ले लेना चाहिए। और जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो गया था आपको मालूम है, और काफ़ी बातें उसमें तय भी हो गई थी। जो चार कंडीशंस थी उसमें से तीन कांग्रेस और बाकी पार्टियां मानने को तैयार थीं, बट अरविंद वॉज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज गोल पोस्ट एंड मेकिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। एंड अन्नाज टीम एंड को टीम ऑफ पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, पीपल ही ट्रस्टेड एंड वॉन्टेड टू बी विद, वर वेरी वेरी वरिड। And some of us were. And in fact, I remember there was a whole munch, and there was this place, some space below, and we were always there. And there was of course throngs of crowds here, and the media behind. And I was there, and I remember I was literally in tears, and I was talking to Medha ji also, Medha Patkar ji, ki kuch ho jayega, aisa na ho ki Anna ji mar jaye, unki jaan ja sakti hai. लेकिन अरविंद ने कहा नहीं नहीं चुप रहो चुप रहो, लिटरली प्रेस माई हैंड, सो इट वॉज सो टाइट द वे, डोंट शो योर टीयर्स, चुप रहो, इनको लोगों को दिखना नहीं चाहिए तुम्हारे आंसू, कि लोग वीक हो रहे हैं, टू पुट द प्रेशर ऑन, बट ही डिडंट केयर फॉर अन्ना। और तब मैंने अरविंद के स्वरूप को देखा, इतना ज़्यादा वो जो चेहरा जिसमें मासूमियत मुझे नज़र आती थी उसमें एक बिल्कुल ही एक घिनौनापन और एक क्रूरता मुझे उस चेहरे में दिखाई दी। आई सॉ इन हिज आईज दैट काइंड ऑफ रूथलेसनेस, अ मैन विदाउट एनी स्क्रूपल्स, विदाउट एनी कॉन्शियंस एंड विदाउट एनी इमोशंस, द वे ही रिएक्टेड व्हेन नॉट जस्ट मी बट मेनी अदर्स गॉट टुगेदर एंड लिटरली पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ब्रेक द फास्ट।